फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेकेंड मैथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, दैट इज द सीविंग मैथड। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा पूरा डेडिकेटेड सीविंग मैथड के लिए। सो दिस इज द सेकेंड मैथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज। आप सब लोगों ने सुना होगा सीव्स के बारे में कि सीव्स आपकी कह सकते हैं, सीव का मतलब होता है छलनी, एक जालीदार नेट, उसकी को सीव कहा जाता है। जो सीविंग मेथड है आपका वो इसी के ऊपर डिटरमाइंड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पाइल ऑफ सीव्स लेते हैं, स्टैक्स लेते हैं सीव्स के, और उन्हें पाइल अप करके डिफरेंट डिफरेंट साइज से अरेंज करेंगे, और जो भी पार्टिकल्स उसमें से पास होंगे उसके हिसाब से उनका पार्टिकल साइज डिटरमाइन किया जाता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस पूरे मेथड को। द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस मेथड इज कि इसके अंदर आपकी पार्टिकल साइज रेंज 50 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होती है। द मिनिमम पार्टिकल साइज इज 50 माइक्रोमीटर। दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट कि पहली चीज यही है कि सबसे कम पार्टिकल साइज रेंज इसकी यही होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज इस मेथड के लिए आपको फर्दर अगर आप देखने लगे तो मैकेनिकली ये पूरा प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है, इसके अंदर और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो क्या क्या इसके अंदर वेरियस पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर मैथडोलॉजी है, लेट्स डिस्कस इट। In this method, what you have to do, you have to make a pile. So, what you have to do कि आपको सबसे पहले जो सीव्स होती हैं और different different size की सीव्स को एक दूसरे के ऊपर pile करना है। The only condition is कि जो भी आपकी सीव्स होती हैं उसमें larger aperture size, जितना ज़्यादा बड़ा अपर्चर साइज होगा वो उतनी ही ज़्यादा ऊपर रहेगा। लार्जर अपर्चर साइज का मतलब है कि जो सीव नंबर है वो कम होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वो सबसे ऊपर रहेगा। एंड देन आफ्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपका अपर्चर साइज है उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए सीव्स को प्लेस करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक अ वेट क्वांटिटी ऑफ द सैंपल। आपको सैंपल की एक वेट क्वांटिटी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 grams ऑफ सैंपल लिया तो उसके अंदर आपको पता है कि 5 ग्राम सैंपल के लिए आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो। 5 ग्राम सैंपल रखने के बाद में यू हैव टू शेक दैट सीव्स आइदर मैनुअली और बाय मैकेनिकल शेकर। मैकेनिकल शेकर या फिर मैनुअली आपको उन सीव्स को शेक करना है। तो जब आप उन सीव्स को शेक करेंगे फॉर दैट पर्पज, तो उससे क्या होगा, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो अपने पार्टिकल साइज के हिसाब से नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। जिन पार्टिकल्स का साइज बड़ा है वो सीव्स के ऊपर रुक जाएंगे, रिमेनिंग पार्टिकल्स विल पास ऑन टू दी अदर सीव। सिमिलरली उससे भी छोटे पार्टिकल साइज, इस अपर्चर साइज से छोटा जो भी पार्टिकल साइज होगा वो पार्टिकल इस सीव से नीचे पास हो जाएगा और बाकी पार्टिकल्स उस सीव के ऊपर रिटेन करेंगे। इस तरीके से हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग द वेरियस सीव्स। इन वेरियस सीव्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में हर एक सीव के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पाउडर रिटेन हो जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंपल विल रिटेन ऑन दीज पर्टिकुलर सीव्स। तो इनके ऊपर जब वो सीव्स के ऊपर रिटेन करेगा, आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू मेक द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बट दिस टाइम यू हैव टू मेंशन इट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। दोबारा से आप लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे on x-axis and y-axis. On x-axis you have to mention पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जो भी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज होगी उसे आप एक्स एक्सिस पे मेंशन करेंगे, एंड ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू मेंशन इट्स वेट। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपके पास में पार्टिकल साइज रेंज इस सीव के रिगार्डिंग आ रही है, दिस इज सीव नंबर 4, तो जो आपके सीव नंबर 4 है 4 के ऊपर कितने पार्टिकल्स रिटेन हुए, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल साइज रेंज आएगी आपकी 4 के ऊपर जितना भी वेट रिटेन हुआ उसे आप मेंशन कर दोगे। इस तरीके से आपके पास में एक पार्टिकुलर कर्व बनकर आ जाएगा।
ये कर्व आपका रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अमंग दी होल प्रोसेस, कौन से पार्टिकल रेंज के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वेट ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। तो ये आपकी इस प्रॉपर पूरे प्रोसेस की मेथडोलॉजी होती है। नाउ कम टू इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऐसे कौन से एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड के। तो इस मेथड के एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल हैं जो हम लोग सोच सकते हैं। पहला एडवांटेज तो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव मेथड है। इनएक्सपेंसिव मेथड है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस है। द थर्ड पॉइंट इज, इसके अंदर जो आपके पार्टिकल साइज होते हैं, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है ये। और इसके अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिप्रोड्यूसिबल होगा, हर बार आपको सेम रिजल्ट मिल सकता है। सो दीज आर दी वेरियस एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। वहीं पर जब हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इस पूरे प्रोसेस का पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपका अगर पार्टिकल्स के बीच में, सैंपल के बीच में मॉइस्चर कंटेंट है, इन दैट केस इट विल क्लॉग द पोर्स। वो क्या करेगा, पोर्स को क्लॉग कर देगा। सो मॉइस्चर कंटेंट इसके लिए एक ड्रॉबैक है। सबसे पहली चीज कि अगर मॉइस्चर सैंपल आप लेते हैं तो उसकी वजह से जो पोर्स होंगे वो क्लॉग हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट इज कि इस प्रोसेस के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप ओवर शेकिंग करेंगे, ओवर द टाइम आप उसे बहुत ज़्यादा शेक करेंगे, इन दैट केस पार्टिकल्स का एट्रिशन हो सकता है। यानी कि जब पार्टिकल्स मैकेनिकल शेकर की हेल्प से शेक किए जाएंगे तो उस कंडीशन में उन पार्टिकल्स के एक दूसरे से टकराने की वजह से उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो सकता है। This is the very second point you have to remember. And the third point is, इसके अंदर जो minimum particle size range है वो आपकी 50 micrometer रहती है। अगर आपको उससे छोटे particle size के लिए इस method को use करना है, then it is a unsuccessful method. It is a failure in case of particle size which are smaller than 50 micrometer. So these are the various advantages, disadvantages and methodology of sieving method. In our next lecture, we will discuss about the other two methods which are remaining of particle size determination. Thank you.